मुंबई शहर में एक कोरियाई खातून के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ के वाकयात ने सनसनी पैदा कर दी थी। इस मामले में खार पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता तौर पर मुतासिरा की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और मुलजमीन की तलाश शुरू कर दी गई थी। दो मुलजमीन मुबीन चांद मोहम्मद और अंसारी, ये दोनों नौबाश नौजवानों ने मुतासिरा को पहले अपनी बाइक पर बैठने का इशारा किया, जब वो नहीं मानी तो उसका हाथ पकड़कर बाइक पर बिठाने लगे और उसमें से एक ओबाश नौजवान ने उसका बोसा ले लिया। जिस वक्त ये वारदात को ये दोनों अंजाम दे रहे थे, उस वक्त ये कोरियाई खातून जो है लाई पर थी और हजार से ज्यादा लोगों ने इस गंदे नजारे को देखा और अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुंबई पुलिस के ट्विटर पर जब कोरियाई खातून ने इस मुतालिक शिकायत दर्ज करवाई तो उसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई और 12 घंटों के दौरान मुबीन और उसके साथी नकीब अंसारी को बाजाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बांद्रा के रहने वाले हैं और पुलिस अब ये मालूम कर रही है ये ओबाश नौजवानों का ताल्लुक कहां से है और इन्होंने इससे कबल भी इस किस्म की वारदात को अंजाम दिया था या नहीं। इन ओबाश नौजवानों की वजह से मुंबई एक मर्तबा फिर शर्मसार हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर की हिदायत पर बाजाब्ता तौर पर मुकामी डीसीपी हरकत में आ गए और उन्होंने इस पूरे मामले को हल कर दिया। बताया ये जाता है कि कोरियाई खातून के साथ जब बदतमीजी हुई तो लोगों ने अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया और मुंबई को गैर महफूज तस्लीम किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने ये यकीन दिलाया कि मुंबई में हर एक खातून की हिफाजत होगी और मुंबई जो है महफूज है खवातीन के लिए। इसी के साथ जो है जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो क्या कहा मुकामी डीसीपी अनिल पारस्कर ने, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। कल मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक वीडियो ब्लॉगर महिला के साथ दो युवक छेड़छाड़ कर रहे ऐसा दिख रहा था। ये घटना खार पुलिस स्टेशन के अंडर हुई ऐसा जांच में पता चला, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगे ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें FIR दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है।